हे राजा युधिष्ठिर, सारे असुर पुत्रों ने प्रहलाद महाराज द्वारा दिए गए दिव्य उपदेशों की सराहना की और उन्हें अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण किया। उन्होंने शंड तथा अमरक नामक अपने गुरुओं के दिए गए भौतिकवादी उपदेशों का तिरस्कार कर दिया। जब शुक्राचार्य के पुत्र ने देखा कि महाराज प्रहलाद की संगति में सारे असुर पुत्र कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, तो वह डर गए। अतः वह असुरराज के पास गए और उसे सारी स्थिति यथावत वर्णन कर दी। महाराज, महाराज अनर्थ हो गया। महाराज, महाराज मुझे क्षमा कर दो। महाराज, हम प्रहलाद को असुरी भक्ति नहीं सिखा पाए और उसने गुरुकुल के सभी बच्चों को विष्णु भक्त बना दिया। प्रहलाद, प्रहलाद जी पिताश्री। अरे उत्तर लिपट, दुर्बुद्धि, परिवार को कलंकित करने वाले, अरे नीच, तूने अपने ऊपर शक्ति करने वाले शासन का उल्लंघन किया है और तू अति मूर्ख है। आज तू मेरे हाथों मारा जाएगा। अरे दुष्ट, तू जानता है जब मैं क्रोधित होता हूं तो तीनों लोग अपने अधिष्ठाता देवों के साथ कंपन करने लगते हैं, तो तू किसके बल पर अहंकार दिखा रहा है? हे राजन, आप जिस बल के मेरे स्तोत्र को जानना चाह रहे हैं वही बल का स्तोत्र है। निसंदेह समस्त प्रकार के बलों का मूल स्तोत्र एक है। वह ना ही केवल आपका या मेरा बल है, अपितु सबों का एकमात्र बल है। उसके बिना किसी को कोई बल नहीं मिल सकता। वे अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। अरे दुष्ट, तूने सदैव मेरे महत्व को घटाने का प्रयास करा है। मानो तू मुझसे अधिक इंद्र संयमी है, परंतु आज तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। दुष्ट, तूने सदैव किसी परम पुरुष का वर्णन किया है जो हरेक के ऊपर है, हरेक का नियंता है, और तू कहता है वह सर्वव्यापी है, परंतु वह है कहां? मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? क्या वह इस खंभे में भी उपस्थित है? हाँ पिताश्री, अवश्य वह इस खंभे में भी है। पिताश्री, आप अपनी आसुरी प्रवृत्ति त्याग दें, अपने हृदय में शत्रु मित्र में भेदभाव न लाएं। आप अपने मन को सबों के प्रति सम्भाव बनाएं। जो मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति को समानता के स्तर पर देखता है वही भगवान की ठीक से पूजा करने की स्थिति में होता है। रे दुष्ट, तू इतना नरगल प्रलाप कर रहा है, आज मैं तेरे शरीर से तेरा सिर अलग कर डालूंगा। आज मैं देखूंगा तेरा भगवान, तेरा राज्य किस प्रकार तेरी रक्षा करता है। Thank you.
किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से, ना मनुष्य से, ना जानवर से, ना देवता से, ना दानव से, ना सजीव से, ना निर्जीव से, ना आपके द्वारा रचित किसी जीव से।